शहीद हुए हैं, हम सब उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उनकी शहादत स्पेशल ड्यूटी के दौरान जहां पर हुई, और हम उनकी शहादत को हमेशा याद रखेंगे। यहां पर जो मिलिटेंसी का माहौल है, इसके दौरान बाहर से आई हुई जो हमारी फोर्सेस हैं, उनका बहुत नुमाया रोल है। ख़ासतौर पे इलेक्शन में जो ड्यूटी करने के लिए आए लोग कठिन हालात में यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। और कल का जो वाक़ा हुआ आप सब जानते हैं, उसमें जो कुलगाम में जो ऑपरेशन हुआ उसमें 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट मारे गए। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ जिसके बारे में पुलिस को काफ़ी खेद है, और हम लोग उसके बारे में ये प्रश्न है उनके ऊपर, क्योंकि जब ताज़ा ऑपरेशन कोई होता है उसके बाद इस तरह के खतरात होते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि पब्लिक आवाम, ख़ासतौर पर नौजवान जो हमारे हैं, उनको ग्रेज़ करना चाहिए ऐसी जगहों पे जाते इमीडिएटली जा कर के मलबे के साथ या बाकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने से ग्रेज़ करना चाहिए। हमें खेद है, और हम उन 6 जो नौजवान मारे गए उसमें उनके परिवारों के साथ भी अपनी तरफ से हमदर्दी पेश करते हैं। हम नहीं चाहते इस तरह के वाकात पेश आएँ, और हम अपने जो साथी हैं जो फोर्सेज की तरफ से, उनको हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ ऑपरेशन होता है उसमें कोलेटरल नुकसान ना हो, और कोलेटरल नुकसान जो है बचाया जाए। जब वो नुकसान बचाते हुए वहाँ से ऑपरेशन करते हैं, तो लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि इस तरह के हालात ना बने जिसमें जो इनोसेंट लोग हैं तो बाकी लोग जो उस पर जमा हो जाते हैं। सर, सिक्योरिटी 8:30 के बीच में ये मोर्चे में इंसिडेंट हुआ, जब कोई स्नाइपिंग फायर या स्नाइपर फायर से गोली लगी थी। ये जवान अपने मोर्चे में ही ड्यूटी पर था, तैनात था, और गोली आके इसके सर में लगी। इलेक्शंस के लिए ये कंपनी डिप्लॉयड हुई थी, हम लोग के यूनिट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, वहाँ से आई थी ये कंपनी।